इसकी भलाई चाहती हो तो मेरी नजर के सामने से इसको लेकर दूर हट जाओ, नहीं तो भी वो हाल तुम्हारा करेंगे और इसका तो जो करेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। दरबार दरबार में बैठे हैं कोई आप खबर पर? ठीक है महाराज। निवासी मेला का बेटी दसरे मेला पुरस्कार पार्टी को धन्यवाद। दोस्तों इधर दिल पर ध्यान दे, इधर महाराज अपने राज दरबार में बैठे हैं और उधर से आते कौन है? देखिए सेनापति जी आते हैं और महाराज से आपस में क्या बातचीत करते, क्या निकलते, हमें निवारण दिल पर ध्यान दे। दरबार खुश हो दरबार, ये बताओ राज दरबार में महाराज बैठे क्यों नहीं? तो बड़ी अच्छी बात है, चलकर महाराज से मुलाकात करते हैं। चलिए सेनापति जी। हाँ महाराज। आज मैं कुछ अजीब देख रहा हूँ। क्या देख रहे हैं महाराज? तुम्हारे चेहरे पे अजीब मुस्कान, क्या जिस काम के लिए गए थे वो काम पूरा हो गया? मेरी बात सुनो। कहिए। अरे बहुत ही आज खुश दिल न जाए, पुरस्कार देते हैं, कहते हैं उनके साथ और मारो, लेकिन नमकीन तो बात तुमका दे। नमकीन तुमका मिले हम करो को मारो। पैसा पैसा तो मालिक ले ले हैं, नमकीन तो बोले ना पैसा। हाँ सेनापति जी बताइए। सुनो मैं अपनी खुशियों का कारण बता। हाँ बोलिए। और मलाया हूँ पैदा मुसाफिर, साथ मेरे भरत तो चलो साथ मेरे और मर के खाओ और खुद ही लड़के वाले पकड़ते
में गया था। अरे वाह, और रिश्ता हमारे पसंद आ गया। क्या बात, इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप भी चलकर रिश्ते को देख ले। बहुत अच्छी बात, अगर आप चलेंगे तो वह और घर दोनों देखेंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत ही आनंद आ जाएगा। क्यों नहीं, लेकिन ये बताओ जो शादी का पैगाम लाए हो है कहाँ का, किस गांव का है, किस खानदान से पूछो, उसका व्यवहार तो बताओ तो सही। हाँ, देखिए महाराज जो रियासत में लोग गुड़ है। अच्छा 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 अच्छा, वहाँ के महाराज का एक लौटा लड़का है। वो तो मेरे बचपन के यार भी है। आपके बचपन के दोस्त है? तो इससे बड़ी खुशी की बात है, आपके बचपन के दोस्त भी हैं। हाँ, और उन्हीं का एक इकलौता बच्चा है, उसी के साथ मैंने रेखा बेटी के लिए रिश्ता पक्का किया है। देखिए सेनापति जी, वो तो मेरे दोस्त है, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, ना भी देखने जाऊँ कोई बात नहीं, लेकिन लड़के का मामला, लड़के को मैंने कभी देखा नहीं पहले, इसीलिए तो कहता हूँ, इसलिए चलना ठीक है। चलो मैं ये शुभ काम अभी और इसी वक्त करता हूँ। यही तो मैं चाहता हूँ बेटी की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी मेरे सर का बोझा खत्म हो जाए। सही बात, चलिए मैं इसी वक्त और अभी चलता हूँ और लड़का देखता हूँ। चलो बड़ी अच्छी बात है। चलो चलते हैं क्योंकि रास्ता बहुत दूर है। चलिए चलो चलते। अब तो काफी दूर निकल आए और आगे जंगल भी लगता है। देखिए महाराज, जो जंगल सामने दिखाई दे रहा है, वैसे जंगल पार करते ही रियासत अनुपुर लग जाएगा। अच्छा अच्छा, ये जंगल पार करने के बाद रियासत अनुपुर लग जाती है। चलिए फिर थोड़ी दूर, थोड़ी दूर है। हेलो हेलो, यार हमारे रामचंद्र भैया जी की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार अनाउंसमेंट को देते हैं, और एक आवश्यक सूचना है कि आने वाली 11 तारीख को दिन सोमवार ग्राम द्रोहगंज में मेले का आयोजन किया गया है। दिन में आधे का प्रोग्राम है और रात में तो लेडीजों के साथ यही नौटंकी, रात में रंगारंग प्रोग्राम है, और सभी दुकानदार भाइयों से और ग्रामवासियों से हार्दिक निवेदन है पहुंचे हैं और वहां की सुविधा। धन्यवाद दोस्तों, मैंने महारानी से वादा किया था कि महारानी जी मैं आपके पास उसी वक्त आऊंगा जिसका महाराज का इस संसार से नामो निशान मिटा दूंगा। बड़ा अच्छा मौका है, ये तो घनघोर जंगल है, इस जंगल के बीचों बीच में कोई नहीं है, हम और सिर्फ महाराज हैं, और मुझे इसी जंगल के बीचों बीच में महाराज का खात्मा कर देना चाहिए। सेनापति जी क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं महाराज, कुछ भी नहीं सोचता हूँ। चलिए अभी रास्ता खराब लग रहा है, चलिए महाराज आप आगे आगे चलिए, क्योंकि इस जंगल में बड़े खतरनाक जानवर रहते हैं, इसलिए अगर कोई जानवर आप पर हमला करेगा तो मैं पीछे से बंदूक से वार करिए। कोई बात नहीं, आइए चलिए। विश्वासघात किया है, वो भी इसके कहने पर तुमने विश्वासघात किया है। महाराज बोले कि महाराज ने तुमने बेसारा काम किया है। अरे महाराज, तूने मेरा नमक खाया और मेरे ही साथ धोखा किया, हराम जादे धोखा करने वाले तूने अच्छा नहीं किया। Ha 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 ha
वो हमेशा अपने घर के लिए साफ हो गया। अरे बात महारानी से चलकर बताएंगे, उसके बाद हम और महारानी इसे आसाम नगरी के ताजे कल के मालिक बनेंगे और अपना जीवन ऐसे आराम से बिताएंगे। क्या होता है क्या नहीं महारानी जी। अरे हम कहो क्या हो रहा है, पहले तरह है। अरे मतलब पहले से आराम है, सुख नाम लिया था। का करे छोटे हमार कौवा चूट खा ली रहा है। कौवा तुम्हारा चूट खा रहा है? हाँ। ये का कैसे कह रहा है? कौवा कौवा चूट हम खा गए। हाँ ये बात। देख दिखाओ फिर। हाँ बताओ बताओ बताओ। आराम चाहते तू उल्टा ही समझेगा। ये कौन सी मर्जी है? अरे हराम जादे चल तुम ले और मैं आराम करने जा रहा हूँ। और इस वक्त सेनापति नहीं आए, पता नहीं क्या बात है। हाँ पता नहीं सेनापति मर तो नहीं गए, बहुत दिन हो गए, मतलब बहुत दिन भाई दिखा नहीं पड़े। सिंघाला देखा, चमकी मनारा देखा, छत पर बनारा देखा, पेटी कोट मनारा देखा और तुमका सेनापति छिनारा देखा। ये बात किसी से मत कहना, तुम डराओ ना, मैं तेरी खबरिया दबो ना, तुम काट लूंगी। अरे लेट लेट लुंड घूम कर ले इसको। सही बात सही बात सही बात। चलिए अरे मेरे सैया करे वहां से किया है तेरी तुम्हारी महारानी जी है। चलो ठीक है, तुम गेट पर हो, मैं चलता हूँ। अरे ये हमको पता है, ये तुम जाओ अंदर भाई, नहीं थोड़ा खाओ पियो जाए। क्यों हम तो गेट पे बहन
तेरा दिल लग जाता है क्या? अरे तो कहाँ धरा है? क्या कहेगा? अरे मुझे तो ये हम बहुत दिन से सोचा परे हैं। खोल दो तेरा सिंचाप खोल दो। समस्या के घोड़ा बनकर खड़ा। अरे वो कामता था हराम ज्यादा कुत्ता सेनापति। हाँ अरे आंगिलो आंगिलो जो तुम्हें उसे आपको देना। हाँ दोस्तों पर ध्यान दें,
इधर देखिए सेनापति और महारानी आपस में बातचीत करते हैं। उधर सेनापति की बेटी जिसका नाम पूजा है वो अचानक से कमरे में आती है और सारी बातें दोनों को सुन लेती है और देखिए लोग तो आगे सीन भी क्या होता है। धन्यवाद। हाँ, आप मांगे मैंने जवान दी है और जवान देकर के मैं पलटूंगी नहीं। आपके दिल में जो आए हो मांगे मैं दूंगी, मैं दूंगी, मैं दूंगी। ये देखिए आपने अगर तुम्हें दिलाचा लिया है तो सुनो महाराज जी जो मैं मांगने जा रहा हूँ मांगे तुम्हारी बातों को रानी और सुनो ध्यान से मेरी बात। जमीन के खुशे दे अरे तुम्हारी अकल कहाँ है? मेरी अकल हमारे पास है, जो मैंने मांगा है सोच समझ कर मांगा है। सोच समझ के और क्या? अरे उस बिचारी को क्या करो, अरे वो तो अंधी है। अंधी है? अंधी सिर्फ तुम्हारे लिए और इस जमाने के लिए, लेकिन हमारे लिए? अरे हमारे ये तो जान है जान। क्या और क्या? अब मैं उसको पा जाऊंगा, सिर्फ एक रात में उसके साथ मैंने बिता दिया तो समझ लीजिए हमारी एक वर्ष जिंदगी बढ़ जाएगी। एक वर्ष हमारी जिंदगी और बढ़ जाएगी। क्या भगवान, अगर तुम 10 वर्ष रहोगे तो 10 वर्ष बढ़ जाएगी। सेनापति मैंने जवान दी है लेकिन तू तो मेरी बेटी है, कैसे कर सकती हूँ आपसे? ये से क्या हुआ, वो तुम्हारी सगी बेटी थोड़ा है, तो सगेरी बेटी है, समझे करो महारानी जी। क्या कहा सेनापति? अरे सच कहा है? हाँ सही में कहा है, मेरी सगी बेटी नहीं सौतेली है, सौतेली होती है ये बात, आपकी बेटी अपनी होती है। ठीक है सेनापति, कौन बोल रहा है? आपकी बार अगर आवाज आई तो समझ लो जितने भी इस मार के कर्मचारी सारे सब की जवान काट लूंगा। ठीक है सेनापति, मैंने जवाब दी लेकिन सिर्फ एक रात के लिए, सिर्फ एक रात के लिए मैं मांग रहा हूँ। तुम्हारा नहीं जाना नहीं तो समझ लीजिए मैंने वादा किया है कि सिर्फ एक रात के लिए मेरे कमरे में। हाँ हाँ देखा कोई नहीं दो बात, ये तो बात की बात हो जाएगी लेकिन देखिए जमाने का बड़ा बवाल चल रहा है जानते हो। अरे महाराज को वहां पता हो गया और रेखा और फूल जी सुनेंगे पूछेंगे कि मेरी बात कहां है तो क्या जवाब देंगे? ये तो बात मैं भूल ही गया था, अरे दोस्त मैं मेरी होश भी गवा दिया। तो भी ऐसा हो कोई बहाना भी ढूंढना चाहिए। सेनापति हाँ बहाना है, हम दोनों रोते हुए उठ के कमरे में चल गए किसके फूल जी फूल जी और रेखा के और तुम्हें आंसू आंसू आते हैं। अरे नकली बना लेंगे, कागज से बना लो मूत लगा लेंगे, नकली बना लो मूत दे अरे बकबीच अपने कहीं घूम के बना दिए अपन हम कहीं मदद कर दे भाई आए तो रहने में मदद कर सेनापति देखो हाँ ऐसा है
हैं, लेकिन पहले ये तय हो जाना चाहिए कि आखिर हम लोग गुरु सिंह से बताएंगे क्या, हम क्या कहेंगे, अरे लेकिन वहाँ कहेंगे कैसे, चलिए देखिए क्या है, देखो तुम कह देना यो मीना जी का मीना, अरे राजमरिया क्या कह दूंगे, देखो तुम कह देना कि महाराज रेखा के लेबर ढूंढने जा रहे थे और आगे घोर जंगल पड़ता है, हाँ, और उस डाकुओं का एक दल आ गया, डाकुओं का दल आ गया और डाकुओं ने महाराज पे हमला कर दिया, महाराज को गोली लग गई, शाबाश सेनापति तुमने कहा बात सही है, हाँ ठीक है, लेकिन यही बात कहना, हाँ लेकिन चलिए वो जल्दी चलिए क्योंकि मेरा पति सब कुछ नहीं होगा, लेकिन ध्यान में रखना जो मैंने कहा वो बात बदलना नहीं, तुम्हारा कहा हो रहा मेरा दिल दवा खा लियो, दवा खाओ, महाराज की गोली खा लियो, महाराज की गोली किस काम में आती है, हाँ वो महाराज की गोली किस काम, भैया पता नहीं कौन काम होती है, हमारा मूड लाइए, हमारा मूड पिलाता है तो सरकारी अस्पताल के हम भगवान डॉक्टर चार पत्ता देता है, चार पत्ता, हाँ और तीन पत्ता खा रहा, तीन पत्ता बचे तो खाने से क्या होता, हम कल बदल सकता हूँ, अरे आराम चाहते वो चार पत्ता तेरी और का दिन है, वो तो हमका दिन ना खा गए, खा गए क्या हुआ, अरे इसको खाने से औरत के काम में रुकता तो हमारे हुई जी, हाँ, वही रेखा बैठी है और देखिए क्या होता क्या है।